नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम स्वर्ग की तबाही कॉमिक्स का पार्ट वन एक्सप्लेन करेंगे। ध्रुव का मुंह अपने आप खुल गया था क्योंकि एक हाथ उसके बालों को कसकर खींचे हुआ था। बीकर टेढ़ा हुआ और उसमें भरे बाघ के जींस ध्रुव के खुले मुंह में गिरने लगे। ध्रुव ने पूरी कोशिश की कि दर्व उसके गले के नीचे ना उतर पाए, लेकिन अब सांस उसका साथ छोड़ रहा था। खतरनाक दर्व गले के नीचे उतरने ही वाला था। ध्रुव के बाघ मानव बनने में चंद क्षणों का फासला था कि तभी दो गोलियां चली। पहली गोली ने बीकर चकनाचूर कर दिया और दूसरी गोली का निशाना था कमरे में चमक रहा एकमात्र बल्ब। पूरा कमरा पलक झपकते अंधेरे में डूब गया। अंधेरे का फायदा उठाकर ध्रुव ने धोबी फाट दाव मारा। पकड़ना भागने ना पाए और एक भेड़िया मानव ध्रुव की पीठ पर से होते हुए दूसरे भेड़िया पर जा टकराया और वे दोनों ही अपना संतुलन खोकर नरसिंह पर जा गिरे। ध्रुव ने अपने मुंह से भरा द्रव तेजी से बाहर फेंका और एक गहरी सांस ली। साथ ही वह तेजी से बाहर भागा। पर यह गोली चलाई किसने? यहाँ पर मेरा मित्र कौन आ गया? एक मिनट, नरसिंह ने मुझे पूछा था कि मैंने भेड़िया मानव पीटर को गोली क्यों मारी, परंतु मैंने तो उसे गोली नहीं मारी। यानी यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, हम दो हैं। पर वह दूसरा कौन है? लगता है अब ध्रुव को अपनी शक्ल दिखाने का वक्त आ गया है। वह मैं हूँ, लेकिन दूसरा नहीं। दूसरी रेणु तुम? यस कैप्टन। लेकिन तुम छोड़ो बाकी बात, मैं तुम्हें बाद में पूछूंगा, अभी मैं इनको उलझ जाहिर रखता हूँ। इसी बीच तुम यहाँ से निकलकर एसपी साहब को सूचित करो, पर जल्दी। पर मैं बहस मत करो, भागो, इधर को आ रहा है। आने वाला प्राणी मानो किसी दुख स्वप्न से निकल कर आया हो। अरे वह लड़की, उफ, उसने रेणी को भागते हुए देख लिया है। शुक्र मानव का मुँह अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए खुला, लेकिन ध्रुव ने तब तक जमीन से मिट्टी का एक ढेला उसको उठा लिया था। निशाना सच्चा था, शुक्र मानव की आवाज़ उसके गले में ही घुटकर रह गई। इसके खुले मुंह में गोली मारना ज़्यादा आसान होता, परंतु दुर्भाग्यवश मेरी पिस्तौल में साइलेंसर नहीं है। सभी पशु मानव गोली की आवाज़ सुनकर सीधे यहीं आते आएंगे। ध्रुव ने तेजी से अपना सिर नीचे किया और अगले ही पल वह उछल कर 5 फीट दूर जा गिरा। उफ, लगता है मैंने सिर किसी दीवार पर दे मारा हो। इससे पहले कि ध्रुव इस आत्मघाती दीवार से संभल पाता, गुस्से में पागल शुक्र मानव चेतावनी देना भूलकर ध्रुव को मसल देने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव ने पहला वार बचाया, लेकिन दूसरा वार वह नहीं बचा पाया। इससे बचने का तो कोई रास्ता समझ में नहीं आता। रास्ता तो यह संकरा गलियारा। ध्रुव तेजी से संकरे गलियारे में लपका और शुक्र मानव भी बिना कुछ सोचे समझे तंग गलियारे में घुस गया, पर वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। यह क्या, मैं तो गलियारे में फंस गया, मैं हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूँ। ध्रुव का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और दो उंगलियां अपने निशाने पर जा घुसी। अब यह किसी को यह नहीं बता पाएगा कि मैं किधर गया। यह चिल्लाहट कैसी है? यह तो शुक्र मानव जिलान की चीख है। चलो देखो क्या हुआ। शुक्र मानव तब तक तंग गलियारे से वापस निकल आने में कामयाब हो गया था। क्या हुआ जिलान? स्वामी, मैं अंधा हो गया हूँ स्वामी, मेरी आँखें, दोनों आँखें फोड़ दी गई है। किसने? ध्रुव ने। ध्रुव, ध्रुव, मैं पागल हो जाऊंगा, वह गया किधर? मैं देख नहीं पाया, तो इसलिए उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी और भाग गया। लेकिन वह जाएगा कहाँ? हमारा हर एक सेवक उसकी तलाश में है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? जैगवार, तू मेरे साथ आओ। जो आज्ञा स्वामी। ध्रुव ने छिपने की जगह ढूंढ तो ली थी, पर कुछ कदमों की आहट इधर ही आ रही थी और इस कमरे में आने या जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। लगता है अब मैं फंस गया, लेकिन अब रेणु मदद लेकर आती ही होगी। दूसरी तरफ रेणु ने सतर्कता से चलते हुए 3/4 रास्ता तय कर लिया था कि तभी अरे स्वामी ने मुझको पैरे पर लगाकर अच्छा किया, वरना यह लड़की हमारे यहाँ की एक किराए पर पानी फेर देती। डैनो की फटफड़ाहट सुनकर रेणु मुड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बाज मानव रेणु को लेकर वापस गढ़ की तरफ रवाना हो गया। ध्रुव की उम्मीदों की आखिरी कड़ी भी टूट गई। दूसरी तरफ लक्षद्वीप से दूर भारत की धरती पर इस बीच घटनाएं दूसरा और मोड़ ले रही थी। पापा, मुझे तो चिंता हो रही है, 2 दिन होने वाले हैं। ध्रुव भैया, अब तक कोई खबर नहीं आई। श्वेता की चिंता बिल्कुल सही है, आप तो बाप नहीं पत्थर है। इतने दिनों बाद बेटा मिला और उसको भी रो मत निशा, कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे तो उन पशु मानवों पर दया आ रही है कि उसने ध्रुव का सामना है। खैर, मैं अभी तुरंत स्पेशल परमिशन का इंतजाम करके लक्षद्वीप करवाना होता हूँ। मेरे रहते ध्रुव पर कोई आ चढ़ नहीं आ सकती। पापा, मैं भी चलूँगी। अरे तुम क्या करोगी वहीं पर? मैं तो चुपचाप यहाँ बैठकर अपना वही शौक पूरा कर इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीज़ें बनाने वाला, समझी? नहीं पापा, जब तक मैं ध्रुव भैया को ठीक ठाक नहीं देख लेती मुझे से काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तू जीती और मैं हारा, जा कपड़े पैक कर ले। उधर ध्रुव के लिए मुसीबत अभी शुरू हुई थी।
जैगवार हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए। सर्प मानव नूरा गेंडा मानव रासुका और शुकर मानव जिलान को हरा देने वाला लड़का मामूली नहीं हो सकता और भेड़िया मानव शकुरा को भी स्वामी। इसलिए तुम सौर किरण कक्ष पर पैरा और खड़ा कर दो। अगर उसको किसी तरह पता चल गया कि हमारी मुख्य मशीन उस कमरे में है जो सूर्य के किरणों को एकत्र करके इन कलाइयों वाले पट्टों को चालू रखती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। उस मशीन के नष्ट होने से हमारे पट्टों की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा तुम यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यह इनका मनुष्य भेद। मैं समझ गया स्वामी। मैं अभी स्वामी, यह लड़की हमारे गढ़ की तरफ से भाग रही थी। कौन है तू लड़की? यह ऐसा कुछ नहीं बताएगी। यह जरूर ध्रुव की सहेली होगी। इसको सावधानी से बंद कर दो। ध्रुव को बचाने के लिए गोली इसी ने चलाई होगी। ओह, यह क्या हो गया? यह जल्दी हमारे काम आएगी। ध्रुव असहाय सा देखता रह गया। इस वक्त अगर मैं रेणु को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों ही से ही कोई नहीं बच पाएगा। और सुनो जैगवार, भेड़िया मानव पीटर को जिस तरह आंखों में गोली मार गई उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वैसे मैं तुम सबको बता चुका हूँ कि गोलियां हमारे शरीर पर असर नहीं करेगी, परंतु फिर भी तुम सभी गश्त सेवकों को बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहनने का आदेश दे दो। बहुत अच्छा स्वामी। दोनों आकृतियाँ धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। अब सबसे पहले काम है रेणु को आज़ाद करना और उसके बाद में मशीन नष्ट करना जो सारे झगड़े की जड़ है। वहाँ से कुछ ही मील दूर आइए सर लक्ष्यद्वीप में आपका स्वागत है। आपका टेलीग्राम हमको अभी भी मिला है। SP शेर खान कहाँ है? वो शहर के दौर पर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब तक आराम कर लीजिए। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। आप तुरंत वायरलेस से मिस्टर शेर खान को खबर करिए। मैं उन्हें 15 मिनट के अंदर अपने सामने देखना चाहता हूँ। यस सर। शाबाश पापा। और ठीक 15 मिनट बाद SP शेर खान IG राजन के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। पर सर, मैंने तो इसे मनगढ़ंत बात समझा था। बहुत खूब, यानी कोई 500 मील दूर चढ़कर आपको मनगढ़ंत गप्पे सुनाने आएगा? वो सॉरी सर। आप तुरंत स्पेशल पुलिस फोर्स का इंतजाम करिए। यह छानबीन मैं खुद करूँगा शीघ्र ही। सर, मिस्टर ध्रुव यहीं पर रुके थे क्या मतलब? सर, वो कल शाम को अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए। कहाँ गए हैं नहीं पता, लेकिन तभी मोटरसाइकिल। साहब मैं जानता हूँ साहब, बताओ कुछ इनाम मिलेगा? मिलेगा बताओ। कल शाम को इसी होटल से एक लड़का पीली और नीले कपड़े पहनकर मोटरसाइकिल पर निकला था और साहब तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने मुझे मोटरसाइकिल का पीछा करने को कहा। ध्रुव का पीछा? फिर वे दोनों कहाँ गए? जंगल के छोर तक साहब। आइए मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। चलो शीघ्र ही। यह तो भैया की मोटरसाइकिल है पापा, यानी ध्रुव कल शाम को जंगल में गया और अब तक नहीं लौटा। आओ सविता, अब एक क्षण भी व्यर्थ करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ध्रुव अभी तक पशु मानवों के चक्रव्यूह में फंसा था। उफ, अभी तो मुझे यहाँ नहीं पता कि इन प्राणियों के रेणु का बंदी कहाँ बना रखा है। रेणु भी परेशान थी। ध्रुव अब तक यही समझ रहा होगा कि हम उधर ले गया रहे हैं। उसी को यह बताना जरूरी है कि मैं यहाँ पर बंदी ऊपर कैसे। हाँ, एक रास्ता है। यह लोहे का पाइप जिनके अंदर से बिजली के तार गए हैं पूरी इमारत में फैले हैं। अगर मैं इनसे संदेश भेजूँ कि ध्रुव इस इमारत में जहाँ भी होगा मेरा संदेश जरूर सुन लेगा। संदेश पाइप के जरिए पूरी इमारत में फैलने लगा। ये टक टक की आवाज़ कैसी है? अरे तू चुप, अपना काम क्यों नहीं करता? पाइप में कोई चूहा वूहा घुस गया होगा। परंतु ध्रुव इसे बेखबर नहीं था। यह क्या? यह तो मोर्स कोड है जो संदेश भेज रही है। अरे यह तो रेणु का संदेश है। वह इसी इमारत में पूर्वी छोर पर बने एक कैदखाने में बंद है। यह रहा वह कैदखाना जहाँ रेणु बंद है। पर आश्चर्य की इस पर कोई पैरा नहीं है। शायद ये रेणु की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं करते। ध्रुव ने सतर्कता से चारों तरफ देखा और फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। और ध्रुव, इन लोगों ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया। मैं तो जंगल से बाहर ही नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अब सबसे पहले तुमको ध्रुव पहले पीछे देखो। एकाएक ध्रुव ने महसूस किया कि वह दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया है। स्वामी जानते थे कि तुम इस लड़की को तलाश में यहाँ जरूर आओगे और तुम आ गए। स्वामी का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। बंद कर दो इसको। कैद खाने का दरवाज़ा खुला, एक धक्का लगा और ध्रुव अंदर जा गिरा। कमीनो, अब तुम दोनों यहीं सड़ सड़ कर मरोगे। दुनिया अब तक यही वक्त पर जाने नहीं पाएगी कि तुम कौन हैं, पर यह कभी नहीं जान पाएगी कि हम कहाँ हैं। परंतु शहर में फोर्स तैयार है सर। वेरी गुड, तुरंत चलने का आदेश दो। और श्वेता तुम? अरे श्वेता कहाँ चली गई? जब आप ना रहे थे सर श्वेता बेबी आइसक्रीम लेने चली गई। अजीब लड़की है यह तो। अभी अपने भैया के लिए इतनी परेशान थी और अब आइसक्रीम खाने निकल गई। अच्छा ही हुआ, मैं खुद भी उसको इसी खतरनाक स्थान पर ले जाना नहीं चाहता था। और शीघ्र ही अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस स्पेशल पुलिस फोर्स जंगल की तरफ बढ़ी। जंगल में आने वाली मुसीबत से बेखबर पशु मानव एकदम निश्चित थे। अगर वह लड़की भाग जाती तो हमारा अभियान शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता। तुम वाकई कमाल का काम किया है बाज मानव शिमिट। दोनों में से कोई नहीं जानता थी, दो आगे उन पर देख रही है।
वह इसलिए क्योंकि वह हमेशा सतर्क रहता हूँ और अब मैं फिर गश्त पर जा रहा हूँ। क्योंकि अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, अब यहाँ पर कौन आएगा? फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए, मैं अभी आता हूँ। और उस रहस्यमय साय को अपने मंजिल तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मूर्ख पूरी तरह निश्चिंत है, ये नहीं जानते कि इसकी मौत यहाँ आने के लिए चल पड़ी है। और ये इतने भी निश्चिंत नहीं है कि मरत में पैरे में ढील दे दे। अगर जाने का रास्ता यही रास्ता है, इसलिए इन आदमखोरों को पूरी जमात को इमारत से मुख्य द्वार से दूर हटाना पड़ेगा। आग आग लग गई, अरे दौड़ो इस पर पंप से पानी डालो। जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैलती है, आग तो बढ़ रही है, हम सब तबाह हो जाएंगे। नरसिंह को भी यहाँ नहीं है, पता नहीं वह दिन होते ही कहाँ चले जाते हैं। चुप, पानी डाल चुपचाप अंदर। वे कैदियों को छोड़ जल्दी आओ, बाहर आग लग गई है, आग बुझाने वाले कम पड़ रहे हैं। तुम यहाँ रुको निक्का, मैं जाकर इसकी मदद करता हूँ। और यहाँ पर स्वर्ग की तबाही कॉमिक्स का पार्ट वन का अंत होता है। जल्दी हम आपके सामने पार्ट टू के साथ पेश होंगे। भाइयों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।